So hey guys, welcome back to my channel. Hope you're all doing great. If you're watching my face for the first time, then do not forget to subscribe my channel. So जैसा कि आज का टाइटल आपने देख ही लिया होगा कि मैं बताने वाली हूँ एक जादुई पैक के बारे में. लाइक इतना था मजाक. मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा पैक जिसे आप लगाओगे तो समर्स में आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस रहने वाली है. बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी स्किन लगती है ना, शाइनी वाली स्किन. बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर की चीजें यूज नहीं करते, लाइक स्क्रब, टोनर, सीरम. बहुत सारे लोग हैं तो उन्हीं के लिए मैंने एक बनाया है बहुत अच्छा पैक, जो अगर वो यूज करेंगे तो उनको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एज वेल एज आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने वाली है किसी टाइम को लिए. सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो पैक दिखता कैसा है. तो मैंने इसमें ऐसे बनाया है तो आप इसमें ना थोड़ा थोड़ा आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये पैक किसका बना है. यस, आपने सही अंदाजा लगाया, ये है मुल्तानी पैक. बट इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें मैंने मिलाई है जो ये सब स्किन टाइप के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मुल्तानी होती है वो ड्राई स्किन को और भी ड्राई कर देती है. तो यस, अगर आप ड्राई स्किन वाले लगाओगे तो लॉस हो जाएगा. तो नहीं, उसके लिए भी मैंने इसमें ऐसा कुछ मिलाया है जो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, इवन बहुत ही फ्लॉलेस और बहुत ही ज्यादा अच्छी भी हो जाएगी और ड्राइनेस भी आपकी कम हो जाएगी. तो यस, इस सब को जानने के लिए पैक मैंने कैसे बनाए मेरी वीडियो को पूरा देखना. और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके. सो यस, चलते हैं हमारी वीडियो. सो गाइस, सबसे पहले हम पैक बनाने के लिए लेंगे मुल्तानी मिट्टी, ठीक है. और आप देख सकते हैं आपको इसी क्वांटिटी में लेना है. आप चाहो तो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि आप थोड़ी कम क्वांटिटी लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. आप देख सकते हैं आपको लाइक इसी तरीके से अपना मतलब पाउडर फॉर्म में उसको बनाना है मुल्तानी को. आप चाहो तो डायरेक्ट मार्केट से जाके भी ला सकते हैं. अब मैंने सेकंड लिया है एलोवेरा जेल. आप चाहो तो कोई और भी ले सकते हैं, लाइक मैंने पतंजलि का जेल लिया है. आप चाहो तो बहुत सारे जेल अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी पिक कर सकते हैं. ये हमें मिलाना है हाफ स्पून और मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है लाइक जेल, और अभी मैं लेके भी नहीं आ सकती. सोया मैं थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ, आप चाहो तो थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं. अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें. अब सेकंड मैंने लिया है हनी, और ये है मेरा पतंजलि जेल का हनी. आप चाहो तो कोई और भी ले सकते हैं, और हनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हनी हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करते हैं यूज़ करने के लिए. तो आप हनी को ज़रूर ऐड करें, हनी से आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा गाइज, ये बहुत ही अच्छा है. और अगर आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह हैं तो आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, बट मैं अब इसमें नहीं करूँगी ऐड. सो अब इसमें हम एक स्पून ऐड करेंगे, पर मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ली है मतलब मुल्तानी मिट्टी की, तो हम एक हाफ स्पून और इसमें डाल लेंगे लाइक, जिससे कि ये अच्छे से ऐड हो जाए, लाइक अच्छे से मिक्स हो जाए. मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में और लूंगी. सोया अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे, आप देख सकते हैं. अब मैंने लिया है गुलाब जल, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारे फेस पे कोई भी डस्ट वगैरह होता है उसको क्लीन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. तो या इसको हम ज़रूर डालेंगे इसके अंदर लाइक, और हम क्वांटिटी उस हिसाब से ले लेंगे जिस हिसाब से हमें इसको मिक्स करना है अच्छे से, क्योंकि हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है, हमें सिर्फ इसी से इसको मिक्स करना है.
तो यार आप इसे, और जब ये मिक्स हो जाए अच्छे से, उसके 15-20 मिनट इसे रख देना, उसके बाद ही इसको यूज़ करना। आप चाहो कि हम हैंड टू हैंड यूज़ कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। और गाइज आप देख सकते हैं कि अभी तो ये लगाने लायक स्थिति में नहीं है, अब इसमें और भी गुलाब जल डलेगा। अब हम फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसे थोड़ी देर रख देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी ये लाइक बहुत फटाफट, अभी ऐसे इतनी जल्दी मुल्तानी पिघलती भी नहीं है, तो इसे थोड़ा टाइम लगता है। ये यूज़ करने लायक स्थिति में भी आ गया है गाइस। तो अब हम इसे हैंड पे अपने लगाएंगे। और गाइस ये इतना ज़्यादा ठंडा ठंडा लगता है ना आपके फेस पे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ठंडा ठंडा लगता है। लाइक मेरे को तो लगता है कि इसके कुछ रिजल्ट आए या ना आए, बट ये आपके फेस पे इतना ज़्यादा से ठंड ठंड सा दे देता है। लाइक गर्मी में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो गाइस प्लीज़ इसको यूज़ करना और आपको खुद ही रिजल्ट दिख जाएंगे। एक मंथ में आपको वीक में 2 बार इसे यूज़ करना ही करना है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली नहीं रखेंगे तो फिर इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपको कंटिन्यूसली रखना ही पड़ेगा। तो अब मैंने इसे अच्छे से अपने मतलब लाइक हैंड पे लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे 15 मिनट छोड़ देंगे लाइक सूखने के लिए। वाला वीडियो पूरा देख ही लिया होगा और होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो गाइज अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आए, लाइक आपको उस पैक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगी। बाकी इस पैक की मैं आपको 1000% श्योरिटी दे सकता। प्लीज ऐसे मत बोलना कि हमने इसको एक बार यूज कर लिया और हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं जो एक बार लगाते ही आपको बहुत नेचुरल सा ग्लो दे दे या फिर ऐसा कुछ जादू ही चमत्कार हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको इसे कंटिन्यूअसली यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो आपको महीने भर इसको यूज करना पड़ेगा, लाइक वीक में 2 बार, तब आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट दिखेगा और आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि ये पैक बहुत ज्यादा अच्छा है। सो यस गाइज, आई होप यू ऑल विल एंजॉय माई वीडियो। बाय एंड टेक केयर, बी सेफ एंड स्टे होम गाइज, बाय।